अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ब्यावर की सीएसडी प्रथम के विद्युत कर्मचारियों ने अब तक अक्टूबर माह का वेतन नहीं मिलने पर आक्रोश जताया है। वेतन नहीं मिलने से परेशान विद्युत कर्मचारियों ने शुक्रवार को सीएसडी प्रथम के सहायक अभियंता कार्यालय में धरना देकर उनके समक्ष अपना रोष जताया। विद्युत श्रमिक संघ के जिला मंत्री डूंगर सिंह के सानिध्य में धरने पर बैठे कर्मचारियों ने बताया कि नवंबर माह के 3 दिन गुजरने के बावजूद अब तक उन्हें अक्टूबर माह के वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके कारण उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कर्मचारियों ने बताया कि कई लोगों ने अपनी आर्थिक आवश्यकताओं के लिए बैंकों से ऋण ले रखा है। अगर उनके खाते में समय पर वेतन जमा नहीं हुआ और ऋण की किश्त का भुगतान नहीं हुआ तो उन्हें पेनल्टी भुगतनी पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में कर्मचारी डिफॉल्टर हो जाएंगे और भविष्य में किसी भी बैंक से ऋण लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने सहायक अभियंता से शीघ्र ही इस माह का वेतन तथा भविष्य में हर माह समय पर वेतन भुगतान करवाने की मांग की है, ताकि भविष्य में कर्मचारी प्रदर्शन तथा कामकाज में व्यवधान जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर ना हो। धरने पर बैठने वालों में जिला मंत्री डूंगर सिंह, योगेश तरुण कुमार, भीकाराम सुमन, महिपाल सिंह, राकेश महादेव, कल्याण सिंह, अजय कुमार तथा अभिषेक कुमावत सहित अन्य कर्मचारी शामिल थे। सैलरी को लेके सीएजी फर्स्ट में सभी कर्मचारी एकत्रित हुए। हमारी जो सैलरी 1-2 तारीख को आ जाती है, अगर वर्किंग डे होता तो 1-2 तारीख को आ जाती है सैलरी, लेकिन हमारे प्रबंधक महोदय निर्वाण साहब ने सैलरी का जो 5-7 दिन का लेट रखने का कारण हमको अभी तक उचित नहीं मिल पा रहा जवाब। उसमें 98% हमारा यूटिलाइजेशन और TND लॉसेज का 98% रिकवरी चल रही है, जबकि 95% पे रोकने का बोला, लेकिन हमारी 98% है। और CAG सेकंड में सैलरी आ चुकी है और हमारे CAG फर्स्ट में नहीं हुई है, इसीलिए हम इसकी विरोध में सभी साथी कर्मचारी और कनिष्ठ अभियंता, टेक्निकल, मनुष्य स्टाफ सभी धरने पर बैठे हैं, और जब तक हमारी सैलरी नहीं मिलेगी हम धरने पर बैठे रहेंगे।